हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे ऐसा आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। पिछले वीडियो में हमने रॉक मिनरल्स की प्रॉपर्टी देखी थी। इस वीडियो में हम जो है रॉक का जो है क्लासिफिकेशन करेंगे कि रॉक को जो है किस किस आधार पे और कैसे कैसे जो है क्लासिफाई किया गया है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मिनरल पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टीज है लस्टर, दूसरी है स्ट्रिक, तीसरी है हार्डनेस। हार्डनेस को मेजर करने के लिए जो है मोह ने स्केल बनाया था, जिसे मोह स्केल कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ये जो मोह स्केल है, ये कुछ नहीं है, कुछ रॉक मिनरल की जो हार्डनेस है वो एक निश्चित क्रम में उन्होंने बता दी है। इसी के आधार पे हम दूसरे जो स्टोन हैं और रॉक मिनरल हैं उनकी जो है हार्डनेस हम ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम अपने नाखून से स्क्रैच कर रहे हैं और गहरा निशान पड़ रहा है, तो उसकी हार्डनेस को हम 1 मान लेते हैं। अगर हम नाखून से स्क्रैच कर रहे हैं और उस पर गहरा निशान नहीं पड़ रहा है, तो उसकी हार्डनेस हम 3 मान लेते हैं। अगर हम किसी भी रॉक मिनरल पे स्क्रैच कर रहे हैं या स्टोन पे, अगर उस पर चाकू से स्क्रैच करने पर भी निशान नहीं पड़ रहा है उस पर, तो उसकी हार्डनेस को हम 7 मान लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद से हमने अगली प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लीवेज। क्लीवेज बेसिकली ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टोन है, स्टोन मतलब कितनी आसानी से अलग हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ थी। जो रॉक मिनरल है वो अब जो जिस लेयर में वो बना हुआ है, उस लेयर में कितनी आसानी से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चट्टानों का वर्गीकरण जो है कई आधार पे किया जाता है। इसके मुख्य 3 आधार हैं। ठीक है, तो पहला जो आधार है इसका वो है जियोलॉजिकल, GEOLOGICAL, GICAL, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, FICATION। तो इसका जो पहला आधार है वो है स्रोत। तो स्रोत के आधार पे जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं, तो इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। और ये किस आधार पे है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, स्रोत के आधार पे। तो ये क्लासिफिकेशन जो है स्रोत के आधार पर किया गया है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में जो है पहला जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो सोर्स के आधार पे करते हैं। सोर्स का मतलब ये कि जो रॉक है, जो चट्टान है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो जिस चट्टान को हम जो चट्टान जहाँ पे मिलती है या वो जैसे बनती है, ठीक है, उसका जो स्रोत होता है उसके आधार पे हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। फिर दूसरा है क्लासिफिकेशन केमिकल, CHEMICAL, केमिकल क्लासिफिकेशन, FICATION, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, और ये जो होता है क्लासिफिकेशन, ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पे होता है, ऑन दी बेसिस ऑफ केमिकल, CHEMICAL, केमिकल कंपोजिशन, CO MPO SITION। तो
केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब ये है कि जो रॉक बनी हुई है, अब देखो दुनिया में कोई भी चीज़ है तो वो किसी न किसी केमिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो रॉक बनी हुई है उस रॉक में कौन सा केमिकल कितने प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है, इसके आधार पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। और इसके बाद से तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल क्लासिफिकेशन, FICATION, फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। अब ये भौतिक वर्गीकरण जो है किस आधार पे किया जाता है, तो इसका आधार है, मैं लिखता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल अपियरेंस, APPRENCE, अपियरेंस को हिंदी में कहते हैं रूप, ठीक है। देखो मुझसे रूप रू जो है रूप वो सही से बनता नहीं है, तो जो भी बनेगा समझ लेना, ठीक है, ये रूप लिखा हुआ है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिकली रूप के आधार पे हम करते हैं। रूप बोले तो जैसे कि हमारी जो रॉक है क्या वो परतों के रूप में है, तो वो परतों के रूप में रहेगी तो उसका रूप हमें दिखेगा, ठीक है। क्या वो बिना परतों वाली है, ठीक है, जैसे ही मतलब कैसे भी है, तो इसको इसके आधार पे जब हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी जो है परतों के रूप में है और कौन सी बिना परतों के रूप में है, तब हम उसे कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। और जब हम सोर्स की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, फिर केमिकल को, और इसके बाद से फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, पहली जो हेडिंग रहेगी वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, GEOLOGICAL, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारी ये हेडिंग रहेगी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो यार, इस वीडियो को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, चाहे जितना भी मिनट का रिकॉर्ड हुआ हो, क्योंकि मेरे लैपटॉप में अभी रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। करीब मैं 7-8 बार जो है यहीं तक जो है रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और वो जो है मतलब दिक्कत हो रही है, 7-8 बार, समझ रहे हो कितना टाइम गया। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, कल नहीं मतलब जब सही हो जाएगा अगले वीडियो से, फिर आपको इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।